Students, a very good morning to all of you. Today we will discuss chapter 3 of our science book. The name of the chapter is Animals. Here we will discuss about the types of animals and their food chain. So students, here you will come to learn these new words: carnivore, omnivore, herbivore, bacteria, parasite. First of all, let us discuss about animals and their types. वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हम अपने आसपास रोज अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखते हैं. ऑल एनिमल्स फील हंग्री लाइक अस. सभी एनिमल्स को हमारी तरह भूख लगती है. दे नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. उनको फूड क्यों चाहिए? जीने के लिए और बढ़ने के लिए. हाउएवर एनिमल्स डिफर इन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. सो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते, तो इसलिए उनमें भी उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं. वी ऑलरेडी नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड, डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स. हमें अभी तक वाइल्ड, डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, लाइक जंगली जानवर या घर में पालने वाले. बट एनिमल्स कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स. बट वो एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स. इस चैप्टर में हम अलग अलग एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट. तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, इसलिए इनको फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट है हर्बीवोर, विच आर प्लांट ईटिंग एनिमल. जो प्लांट ईटिंग होते हैं उन्हें हर्बीवोर कहते हैं. मीट ईटिंग कार्निवोर, बोथ प्लांट एंड मीट ईटिंग ओमनिवोर्स, एंड एनिमल्स ईटिंग डेड एंड डिकी मैटर. जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं वो होते हैं स्क्वेंजर्स. एंड एनिमल्स दैट ईट ग्रो एंड लिव ऑन इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी दूसरी एनिमल की बॉडी पर रहते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स. सो ये आपने टाइप्स पढ़ लिए सारे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस हर्बीवोर. हर्बीवोर दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर. एनिमल्स वो जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर. इनकी क्या फीचर्स हैं? दे हैव शार्प एंड फ्लैट टीथ टू च्यू एंड च्यू ग्रास एंड प्लांट्स. तो इनके जो टीथ होते हैं वो तीखे और फ्लैट होते हैं, क्योंकि ग्रास को और प्लांट्स को चबाने के लिए. दे हैव शार्प बाइटिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ. इनके जो बाइटिंग टीथ हैं वो काफ़ी तीखे होते हैं, और जो ग्राइंडिंग टीथ हैं लास्ट पीछे वाले वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. हाउएवर सम हर्बीवोर ऑल्सो स्पेशल बॉडी फीचर्स टू हेल्प देम टू गेट द फूड. कुछ हर्बीवोर के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ हेल्प इट टू रीच टॉल ट्रीज एंड एन एलिफेंट ट्रंक हेल्प इट टू पुल आउट द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. तो जैसे कि जिराफ है, उसकी लंबी गर्दन होती है, तो वो लंबे पेड़ों से भी ब्रांचेस और लीव्स को खा सकता है. सिमिलरली जो एलिफेंट होता है, इसकी सूंड होती है जो कि इनको पेड़ों की पत्तियों को और ब्रांचेस को खींचने में हेल्प करती है. अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर आर डियर, गॉट, जिराफ, रैबिट, काउ एंड शीप. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट कार्निवोरस. एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स. जो एनिमल्स दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस. दे हैव वेल डेवलप्ड टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश. दे आर जनरली लार्ज इन साइज टू ईजिली ओवर पावर देयर प्रे. सम ऑफ देम आर वेरी फास्ट टू चेज देयर प्रे. इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लैश को कट करना होता है ना, मांस को. और ये जनरली इनका साइज़ ज़्यादा होता है एनिमल्स का, क्योंकि इन्होंने अपने शिकार पे ओवर पावर करना होता है, ठीक है. और इनमें से कुछ तो ऐसे जो बहुत तेज भागते हैं. द बर्ड लाइक ईगल एंड हॉक ऑल्सो हैव शार्प क्लोज एंड बीक्स टू कैच देयर प्रे. जो बर्ड हैं ईगल और हॉक, इनके जो पंजे और चोंच होते हैं ना, बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, शार्प होते हैं, जिनसे ईजिली अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और उसके जो फ्लैश है, उसका मांस, उसको कट कर देते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर आर लायन, फॉक्स, फ्रॉग, स्नेक एंड लेपर्ड. नेक्स्ट इज ओमनिवोरस. ओमनिवोरस बेटा मैंने बताया था, द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो दोनों को खाते हैं. दे यूजली हैव शार्प टीथ इन द फ्रंट फॉर बाइटिंग एंड फ्लैट इन द बैक फॉर च्यूइंग. उनके आगे वाले दांत तीखे होते हैं और पीछे जो दांत होते हैं बैक में, वो फ्लैट होते हैं चबाने के लिए. अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर आर बियर, कॉकरोच, हैन, कैट, स्क्विरल एंड क्रो. आपको पता है जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर ऑल्सो ओमनिवोरस बिकॉज दे ईट मीट, एग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. जो ह्यूमन बींग्स हैं ये भी ओमनिवोरस में काउंट होते हैं, बिकॉज कुछ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नॉन वेज भी होते हैं ना, तो इसलिए उनको ओमनिवोरस में भी काउंट करते हैं. नेक्स्ट है स्क्वेंजर्स. स्क्वेंजर्स मैंने बताया था बेटा, जो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं. दीज आर द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर.
Vulture, crows and some types of eagles and hawks are the scavenger birds that consume dead animals as food. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेड बॉडीज के ऊपर अटैक करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, उनको खाते हैं. पिग एंड डॉग्स आर स्क्वेंजर एनिमल्स. पिग्स और डॉग भी स्क्वेंजर एनिमल्स हैं और ये ज़्यादातर हमें गार्बेज डंप के पास मिलते हैं जहाँ पे कचरा पड़ा होता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. दीज आर द एनिमल्स और प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर देयर फूड. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड. द एनिमल्स हुज बॉडी दे यूज टू लिव इन इज नोन एज होस्ट. जिसकी बॉडी पर ये रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट. पैरासाइट्स कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली. ये खुद नहीं सर्वाइव कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, हुकवॉर्म, राउंडवॉर्म, लीचिस, बग्स एक्सेट्रा. एनिमल्स पे जो अपने वो बोलते हैं ये ना, एनिमल्स की बॉडी पे अटैक करके चिपक जाते हैं उन पे. डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये बटन का नेम होता है डीकम्पोज. ये चीज़ को डीकम्पोज करते हैं. द डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स विच हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो वेल. तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना उनके ऊपर अटैक करके उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं जो कि सॉइल के साथ मिक्स होकर प्लांट्स के काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स आर अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर टू स्मॉल फॉर अवर आइज टू सी एंड आर कॉल्ड माइक्रोकैनिज्म्स. तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. बैक्टीरिया फंजाई इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते उन्हें. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन. फूड चेन क्या होता है बेटा? एक साइकिल होता है. इनको कैसे, तो चेन होती है जिससे कि हमें पता लगता है कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुई है. और इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. देखो बेटा, प्लांट है, प्लांट को खाया किसी हर्बीवोर ने. हर्बीवोर होते हैं ना प्लांट्स खाने वाले. हर्बीवोर को किसने खाया? कार्निवोर ने या ओमनिवोर ने. उस कार्निवोर को, जब वो कार्निवोर मर गया, उस पर अटैक किसने किया? स्क्वेंजर्स ने. स्क्वेंजर्स ने अटैक करके उसको डीकम्पोज कर दिया. डिकम्पोज करने के बाद वो सारा मिट्टी में मिक्स हो गया और वापस मिट्टी में मिक्स होकर प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर दिया. फिर दोबारा वो प्लांट को खाया. तो ऐसे एक साइकिल चलता रहता है ना, इसी को बोलते हैं फूड चेन. ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. सभी एनिमल्स या प्लांट्स या कुछ अदर एनिमल्स पर डिपेंड है अपने फूड के लिए. सो फूड चेन इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर इन अ सीक्वेंस. तो फूड चेन क्या है? एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर इन अ सीक्वेंस. इट इज़ अ नेचर वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट ऑल द लिविंग थिंग्स गेट फूड टू इट. तो एक नेचर का रास्ता है जिससे ये श्योर होता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिला है. ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर. ये सबसे पहले फूड चेन का सबसे पहला पार्ट है, इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. दे मेक फूड फॉर ऑल द लिविंग. इन्हीं ने खाना सभी के लिए बनाना होता है. ये एक एग्जांपल है कि ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को टाइगर ने, टाइगर को वल्चर ने. जब टाइगर की डेथ हो गई उसको ग्रास को ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक ने. दीज आर द वेरियस फूड चेन इन नेचर. फूड चेन ऑल्सो एग्जिस्ट इन वाटर. फूड चेन वाटर में भी होती है. सच ए फूड चेन इज कॉल्ड एन एक्वेटिक फूड चेन. जो वाटर के अंदर फूड चेन होती है उसको एक्वेटिक फूड चेन बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक फूड चेन इज दिस. एक्वेटिक प्लांट्स आर इटन बाय स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स. स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स आर इटन बाय स्मॉल फिशेज एंड द स्मॉल फिशेज आर इटन बाय बिग फिशेज. ठीक है बेटा. नाउ आर द क्रिएचर्स. क्रिएचर्स होते हैं कि कुछ अलग से भगवान ने जिनको बनाया है उनको क्रिएचर्स बोलते हैं. अवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैनी क्रिएचर्स. कुछ इसमें बहुत सारे क्रिएचर्स हैं. कुछ इंसेक्ट्स हैं और कुछ क्रॉलिंग एनिमल्स हैं. क्रॉलिंग मतलब रेंगने वाले. लेट अस स्टडी अबाउट देम. सबसे पहले इंसेक्ट हैं. ऑल द इंसेक्ट हैव थ्री पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग. जितने भी इंसेक्ट हैं कॉमनली सभी के अंदर बॉडी के तीन पार्ट होते हैं. ए हेड, थोरक्स और एब्डोमन बोलते हैं उसको. और सभी के थ्री पेयर ऑफ लेग होते हैं, मतलब टोटल उनके सिक्स लेग होती हैं. दे कैन फ्लाई एंड ईट एनी काइंड ऑफ फूड. ये उड़ सकते हैं और किसी भी तरह का खाना ये खा लेती हैं ऑलमोस्ट. सम ऑफ द कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द इंसेक्ट आर गिवन बिलो. कुछ इनके फीचर्स हैं. द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स. इनकी जो बॉडी है वो थ्री मेन पार्ट में डिवाइड है, हेड, थॉरेक्स और एबडमन में. ठीक है. हेड के अंदर क्या होता है? हेड के अंदर आइज होती हैं, एंटीनाज होते हैं और माउथ होती हैं. ठीक है. थॉरेक्स इज द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी. थॉरेक्स उसका मिडल पार्ट होता है जिसके अंदर टू पेयर ऑफ विंग्स होती हैं और थ्री पेयर ऑफ लेग्स होता है. एब्डोमन इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है बेटा. लाइक अब देखो, ये वाला जो इतना इतना पार्ट है ये हो गया इसका हेड. उसके बाद यहाँ से हो गया इसका थॉरेक्स और जो नीचे वाला बच्चा ये हो गया इसका एब्डोमन. ठीक है बेटा. उसके बाद लेट अस स्टडी सम ऑफ द इंसेक्ट्स. हम कुछ इंसेक्ट्स के बारे में रीड करते हैं. सबसे पहले बटरफ्लाई. बटरफ्लाई में टू पेयर ऑफ ब्राइट कलर विंग्स होते हैं. इसके दो विंग्स होते हैं, टू एंटीनाज होते हैं और सिक्स लेग्स होती हैं. दे आर कॉमनली फाउंड इन फील्ड, गार्डन, फॉरेस्ट. ये मोस्टली फील्ड में, गार्डन में, फॉरेस्ट में होती हैं और ये फ्लावर के नेक्टर पे फीड करती हैं. मतलब जो फ्लावर के अंदर एक स्वीट जूस होता है ये उसको
सक करती हैं। ग्रास ऑपर कम इन ग्रुप्स एंड अटैक द फूड क्रॉप्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, दे डिस्ट्रॉय एंड डैमेज द क्रॉप। ग्रास ऑपर ग्रुप में आते हैं और फूड की फसल पे अटैक करते हैं और ये कई बार उसको खराब भी कर देते हैं। मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस। मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर कलेक्टेड इन पिट्स एंड ओपन कंटेनर, दे कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया। तो फीमेल मॉस्किटो जो होती है ये एनिमल्स के ह्यूमन बॉडी के ब्लड पे फीड करती है। ये जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है या ओपन कंटेनर में कहीं भी पानी कलेक्ट होता है उस पर जाके ब्रीड होते हैं, पैदा होते हैं, और इनसे बीमारियाँ कौन सी होती हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच यूजली कम आउट इन नाइट, रात को बाहर आते हैं। दे फीड ऑन एनीथिंग अवेलेबल लाइक ह्यूमन फूड, लेदर, ये किसी चीज़ पे भी अटैक कर देते हैं, ह्यूमन फूड या लेदर पे भी इवन। दे सेपरेट डिजीज लाइक कोलेरा एंड डिसेंट्री, तो इनसे ये सब डिजीज होती हैं। नेक्स्ट है बीज। बीज होती हैं मधुमक्खियाँ, दे लिव इन अ बी हाइव, ये हमेशा अपने मधुमक्खियों के हाइव होता है उसमें रहती हैं। अ सिंगल बी हाइव है थाउजेंड्स ऑफ बीज, एक सिंगल बी हाइव में बहुत सारी बीज होती हैं। इट हैज़ वन क्वीन बी हु लेज एग, एक इसमें रानी होती है जो एग देती हैं। मेल बीज आर ऑल्सो नोन एज ड्रोन्स, जो मेल बीज होते हैं उनको ड्रोन बोलते हैं, एंड दे हेल्प टू प्रोड्यूस मोर बीज। ठीक है, वर्कर बीज गो आउट द कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, तो वर्कर बीज जो होते हैं बाहर जाते हैं बीज हनी कलेक्ट करने फ्लावर्स में से, या नेक्टर कलेक्ट करने, हनी तो खुद बनाते हैं तो ये नेक्टर को कलेक्ट करने जाते हैं फ्लावर में से। नेक्स्ट है एंट्स। एंट्स तो आपको पता ही, चींटियाँ होती हैं, दे लिव इन ग्रुप और कॉलोनीज, दिए ग्रुप या कॉलोनी बना के रहती हैं। इन ईच कॉलोनी देर इज़ वन क्वीन एंट हु ले एग्स, हर एक में एक रानी होती है जो एग देती है। द अदर एंट्स आर सोल्जर, बाकी जो होते हैं सोल्जर्स होते हैं जो कि बाहर जाते हैं फूड में, फूड की सर्च में। ड्यूरिंग द समर सीजन द सोल्जर एंट्स वर्क वेरी हार्ड एंड स्टोर फूड फॉर द विंटर सीजन, तो क्या करते हैं समर में जो सोल्जर एंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके विंटर के लिए खाना स्टोर करती हैं। इट फीड सम ऑफ द ईटेबल सच एज राइस, व्हीट, सिरप्स एंड हनी, तो ये खाने वाली चीज़ों पर ज़्यादातर फीड करते हैं। नेक्स्ट अदर क्रिएचर्स, इसके अलावा कुछ अदर डिफरेंट क्रिएचर्स हैं। फर्स्ट इज अर्थवर्म, ये इंसेक्ट की कैटेगरीज में नहीं आते बेटा। इट इज़ अ ट्यूब लाइक सेगमेंट, ट्यूब शेप सेगमेंटेड वर्म, ये कीड़ा होता है जो ट्यूब शेप में, तो सेगमेंटेड, सेगमेंट्स का मतलब बॉडीज के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। विच इज़ कॉमनली फाउंड इन सोइल एंड फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, तो ये सोइल में होता है और ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल वेस्ट में फीड करता है। इट हेल्प टू इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ द सोइल, एक्सक्रीट ऑफ अर्थवर्म इंक्रीज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सोइल एंड यूज एज फर्टिलाइजर, तो ये क्या करता है सोइल का टेक्स्चर इंप्रूव करता है और उसकी बॉडी में से जो मटेरियल एक्सक्रीट होता है वो सोइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल क्या करता है, इट फीड्स ऑन प्लांट्स स्पेशली ऑन द लीव्स ऑफ वाटर प्लांट्स। इट सेपरेट अ फ्रेश वाटर डिजीज इन ह्यूमन कॉमन कॉल्ड स्नेल फीवर, ये क्या करता है बेटा ये लीव्स वाटर प्लांट्स की लीव्स पर रहता है, ये फ्रेश वाटर में होने वाली एक बीमारी है उसको कॉज करता है जिसका नाम है स्नेल फीवर। हाउस लिजर्ड आपको पता है ये किसको खाती हैं, फ्लाइज, मॉस्किटो और स्पाइडर्स को खाते हैं। द ड्रॉपिंग ऑफ हाउस लिजर्ड इन फूड कैन कॉज सीरियस फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस, अगर ये किसी के खाने में गिर जाती है तो इंसान को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। स्पाइडर मीन्स होते मकड़ी, इट इज़ फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह होती है। मोस्ट ऑफ देम बिल्ड वेब, ये अपने जाल बना रहती है, जो घरों में जाले लग जाते हैं ना तो वो स्पाइडर का वेब होता है। दे फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट एंड फ्लाइज दैट ट्रैप्ड इन द वेब, इट कॉज एलर्जी रिएक्शन एंड समटाइम्स रेड रैशेज इन ह्यूमन, तो क्या करते हैं इनके वेब के अंदर जितने भी कोई फ्लाइज या इंसेक्ट आके ट्रैप हो जाते हैं उन्हें खा लेते हैं और इससे एलर्जी हो जाती है और रेड रैशेज हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज ओवर, ट्राई टू सॉल्व इट्स बुक वर्क एंड आफ्टर सम टाइम आई विल डिस्कस आंसर विद यू।